अभी हमने प्रीवियस टॉपिक्स में तीन जो हमने कंजेक्टिव टॉपिक्स किए हैं, हम टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एक टेबल बनाने के बाद किस तरह हमने मल्टीपल चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी जो है कमांड्स उसकी थी, एडिटिंग के ऑप्शंस थे। अभी भी हमने सारे ऑप्शंस नहीं किए पिक, और मैं तभी आपको ही कह रहा हूँ कि आपने प्लीज़ इन जो ऑप्शन हम पिक नहीं कर रहे हैं ड्यू टू टाइम लिमिटेशन है कुछ, या कुछ चीज़ें मैं खुद चाह रहा हूँ कि आप खुद से करेंगे तो आपको उसकी समझ ज़्यादा आएगी। तो अब करते करते हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एक छोटा सा सैम्पल रिजल्ट कार्ड बनाने की ट्राई भी की है, जो कि अभी हम इसमें उसको अब कंप्लीट करने के बाद, इसके साथ हमने स्टार्ट में जब बात की थी कि एक्सेल की बाज़ुकात फाइल्स हमारे पास मौजूद होती हैं, तो हम एक्सेल की फ़ाइल को लिंक कर सकते हैं विद कैड फाइल, और बाज़ुकात ये भी हो सकता है कि कैड के टेबल को हम एक्सेल के अंदर, एमएस एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट और नॉर्मल बच्चे जो हैं जब भी हम कोई कैलकुलेशंस इस्तेमाल स्टैट्स की बात कर रहे होते हैं तो इजीली हम इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो कैड जो है ये एक्सेल रीडेबल है, यानी एक्सेल की फ़ाइल को कैड रीड करता है और कैड की फ़ाइल को जो है वो एक्सेल भी रीड कर लेता है। तो अभी हम इस लेक्चर के अंदर देखते हैं कि हम किस तरह इन दोनों सॉफ्टवेयर की फाइल्स को एक दूसरे में जाकर ओपन करते हैं। तो ये बढ़ते हैं कैड की तरफ और ऑपरेट करके देखते हैं। तो ये भी हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर एक सैम्पल जो है वो रिज़ल्ट कार्ड जनरेट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे, और अगर हम चाहें तो हम टाइटल को, जिस तरह हमने कहा कि डबल क्लिक करने के बाद जब तक हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा तब तक हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसको अगर टू सपोज करना चाह रहे हैं, नॉर्मली टाइटल हमारा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी हमारा जो टेक्स्ट होता है, तो ये हमने इस रिज़ल्ट कार्ड ऑफ मैट्रिक। अब हम यहाँ पर वेरी क्विकली कुछ नंबर जो है वो ऐड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें 88 मार्क्स हम ले रहे हैं इसमें, और फिर हम मैच प्रॉपर्टी से अभी इनको वो कर भी लेंगे ईज़िली। इसमें उर्दू हमारा कौमी ज़बान है, तो हम इसमें फ़र्ज़ करें जी 94 मार्क्स किसी ने, कोई बहुत ही टैलेंटेड बच्चे का हम रिज़ल्ट कार्ड जनरेट कर रहे हैं। इस्लामियात अगर 100 नंबर थे तो वैसे नॉर्मली 75-75 नंबर हम कर लेते हैं, तो उसने 70 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब हम यहाँ पर टोटल नंबर भी लिख लेते हैं कि 100 इसका था और 100 जो था हमारा वो इसका था, और फ़र्ज़ करें हम कह रहे हैं कि इसका कोई मार्क्स जो थे वो 75। तो ये हमने यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लें। फ़र्ज़ करें ये 88% बन रहे हैं इसके, तो हम 88% इसको भी हम परसेंटेज का सिंबल भी साथ दे देते हैं। परसेंटेज का सिंबल देने के लिए हम इन्हीं सेल्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम जाके ईज़िली जो है वो सिंबल चेंज कर लेते हैं, और इसको हम अगर चाहें तो परसेंटेज का सिंबल तो आप नोट करें 88 और ये 94% हम कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये 94% बन रहा है। और फिर हमारे साथ ये अगर 70 है, 75 में से जितने परसेंट भी ये बन रहे हैं, सपोज़ हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये 90% है, ये आप कैलकुलेट करके भी एग्जैक्ट। अब ये हमारे पास, अब हम उसी सेल पे क्लिक करने के बाद हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो इसका ये फॉन्ट साइज़ है, ये स्टाइल है, ये सारा कॉपी हो जाए, तो हम मैच प्रॉपर्टीज़ में से जो है वो जिन जिन सेल्स के ऊपर आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं आप इजीली जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास, अब हम आ जाते हैं टोटल की तरफ। हमने सम करना है, हमें पता है सम का, ऑलरेडी हमने ऊपर फार्मूला भी देख चुके हैं, जिस सेल में हम सम करना चाह रहे हैं हमने उसे सेलेक्ट कर लिया है। साथ ही हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है एफएक्स में फार्मूला की सम, और हम यहाँ पर ये तीन सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और हम एंटर प्रेस करते हैं, ये सम हो गया। ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, इनका भी सम करना है सेम मेथड में, हम इसके भी तीनों उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और सम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एवरेज, इसकी हमने क्योंकि लेनी है, क्योंकि हम बताइए परसेंटेज रहे हैं, तो परसेंटेज एवरेज में हम देते हैं। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं एवरेज का, और हम यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके और यहाँ पे, और इनको भी अभी हम सेम मैनर में किसी भी सेल की जो प्रॉपर्टीज़ आप करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर मैच प्रॉपर्टीज़ के अंदर से जो है वो, तो जैसे ही हमने यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो अगर आप नोट करें तो अब हमारे पास उसने इस बजाय इसके कि वो ये एग्जैक्ट सेम फॉन्ट साइज़ और सेम टेक्स्ट वो हमारा फॉन्ट स्टाइल पिक करता, उसने यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे दिए हैं, और इसमें एरर यानी ये जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं ये एक शो कर रहे हैं कि फार्मूला या जो चीज़ हम अप्लाई करना चाह रहे थे वो नहीं की। अब इसका जो क्यों नहीं की, इसकी बुनियादी रीज़न ये है क्योंकि यहाँ हमारा फार्मूला बिल्ट हुआ था, ऑलरेडी हमने एक फार्मूला लगा के रखा हुआ है, तो वो फार्मूला जो ऊपर वाले सेल्स हमने थे वहाँ हमने खुद मैनुअल एंट्री की हुई है, और यहाँ पर एक फार्मूला सम का या एवरेज का लगा हुआ है। इसके लिए हम इसको कंट्रोल जी करते हैं, वापस आ जाते हैं ओरिजिनल वैल्यूज़ में,
और अब हम यहाँ पे इनको क्विकली जो है वो मैनुअली चेंज कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़, ये अगर आप नोट करें तो ये एरियल के अंदर 1 इंच इसका साइज़ है, तो इसको भी जो है हम खुद से सिलेक्ट करके इसका साइज़ हम 1 इंच कर लेते हैं और ये ऑलरेडी एरियल में है। तो अब आप नोट करें और इसको साथ ही जो है हम क्लिक करने के, डबल क्लिक करने के साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के साथ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ए के अंदर जाके हम इसको मिडल सेंटर के अंदर इसी तरह हम बाकी। तो ये हमारे पास जो है इस तरह हम एक बेसिक रिजल्ट कार्ड को जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि अब आप इजीली जो है इसके साथ साथ आप कॉम्प्लेक्स शेप्स में जाके जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म के टेबल्स, अगर बड़े टेबल्स जिसमें ज़्यादा रोज़ और कॉलम्स हो, आप इजीली जो है वो जनरेट कर लेंगे। ये हमारे पास इस तरह हमने अभी कंप्लीट किया अपना एक बेसिक रिजल्ट कार्ड ऑफ मैट्रिक। अभी हम जो है इस लेक्चर के सेकंड फेज़ की तरफ, इस टॉपिक के क्विकली हम एक एक्सेल का टेबल अगर हमने कैड में लेकर आना हो और अगर हमने कैड की फाइल को एक्सेल की फाइल बनाना हो और ओपन करना हो तो कैसे करते हैं, तो इन दोनों स्टेप्स को हम क्विकली परफॉर्म कर लेते हैं। जब भी हमने एक्सेल की फाइल को कैड में लेकर आना है, हमारे पास दो मेथड हैं। एक ये है कि हम ड्रॉ से जहाँ पर हमने टेबल के ऑप्शन पिक किया है वहाँ से ही हमारे पास, अगर आपको याद हो स्टार्ट में हमने देखा था कि फ्रॉम अ डाटा लिंक, पहले हमने किया था एक एम्प्टी टेबल जिसमें हमने खुद से जनरेट किया, खुद रोज़ कॉलम्स बताए। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम नहीं, रोज़ एंड कॉलम्स हम ये ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास एक लिंक मौजूद है, एक एक्सेल की फाइल मौजूद है, हम उस फाइल को क्यों ना होकर यहाँ लिंक कर दें और ईजिली हमारा जो है वो काम हो जाए। तो डिपेंड करता है आपने जिस चीज़ पर वर्क करना है। हम यहाँ पर ये जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, सो लॉन्च द डाटा लिंक मैनेजर डायलॉग बॉक्स। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है DL, DL भी जो है ये भी हमारे पास डाटा लिंक की ऑप्शन है। तो फिलहाल हम टेबल से जाके हम यहाँ पे टेबल के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से हमने डाटा लिंक पे क्लिक किया, ये हमारे पास हमने क्लिक किया, तो ये डाटा लिंक का जो हमने अभी शॉर्ट की लगाई DL, उससे भी आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं और आप चाहें तो आप टेबल की जो डायलॉग बॉक्स है उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अ न्यू एक्सेल डाटा लिंक एग्जैक्टली, क्योंकि अब हम एक नया क्रिएट करना चाह रहे हैं लिंक, हमारे पास अभी कोई लिंक मौजूद नहीं है, एक नया लिंक। अब वो उस लिंक का नाम पूछ रहा है। अभी आपने एक चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होना, वो जो एक्सेल की फाइल है उसका नाम अलहदा है, हमने यहाँ पे खुद से एक नाम देना है कि हम ये जो एक्सेल की फाइल को कैड की फाइल में लिंक कर रहे हैं, एक्सेल के टेबल को, उस लिंक का कोई नाम, कोई भी नाम सपोज कर सकते हैं, कैपिटल हम कैप्स लॉक ऑन करके ABCD फर्ज करें, ये हमारे पास ABCD कोई नाम है, मैं यहाँ से इसे ओके करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे ओके किया, अब अगर आप नोट करें तो वो कह रहा है फाइल यूजिंग एन एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल आर ब्राउज फॉर अ न्यू वन, यहाँ पे हमने वो एक्सेल की फाइल का पाथ देना है जो फाइल हमारे पास ऑलरेडी सेव पड़ी है। मैं यहाँ पे ये है जी क्लिक दी, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज मीन कि जिस जगह सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जहाँ पे वो आपकी एक्सेल फाइल मौजूद है, अब हमने उसको लिंक देना है, उसको ऐड करना है। मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, अब ये मेरे पास पूछ रहा है, अब मेरे पास डी ड्राइव के अंदर हमारा जो फोल्डर है कैड फाइल्स, उसके अंदर जो डेट है वहाँ पे ये रिजल्ट कार्ड, कोई भी एक एक्सेल के अंदर जो है वो सैंपल रिजल्ट कार्ड बना हुआ है, आपके पास कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है। आपने यहाँ पे किया क्लिक और यहाँ से हमने किया ओपन। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ये नया डायलॉग बॉक्स जो है वो छोटा सा ओपन हो गया है, जिसमें वो हमें प्रॉपर्टीज़ भी बता रहा है और नीचे अगर आप देखें तो वो हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है, जो हमारा टेबल अभी ऐड होने लगा है उस टेबल के बारे में भी बता रहा है। ये हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने ओके प्रेस करना है और ये आपका टेबल ऐड हुआ है, यहाँ से भी आपने ओके प्रेस किया और यहाँ पे भी प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ से भी ओके। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप उस टेबल को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, तो ये प्लेस किया और आप अगर जूम इन करें तो ये हमारे पास एक एक्सेल की फाइल, जो एक एक्सेल के अंदर हमने बनाई है, वो फाइल हमारे पास कैड में आ चुकी है, यानी एक एक्सेल का टेबल हमारे पास ऑटो कैड में आ चुका है। प्रोसेस सिंपल है, मैं क्विकली रिपीट कर देता हूँ, DL एंटर, डी लिंक डाटा, ये जो हमने लिंक किया है वो एंटर हो गया हमारा। यहाँ से हमने एक नाम दिया, कोई भी नाम आपने दे दिया, ABCD जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, ई आपने नाम दिया, ओके किया। नाम देने के बाद आपने अपनी फाइल का पाथ देना है जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है, पाथ देने के बाद आपने सिंपल ओके ओके एंड ओके और आपने प्लेस कर देना है। तो इस तरह आप एक एक्सेल के टेबल को कैड के अंदर लेकर आ सकते हैं। अब जब आप एक्सेल के टेबल को कैड में लेकर आ सकते हैं तो एक सिमिलर मैनर में आप एक कैड के टेबल को एक्सेल में लेकर भी जा सकते हैं, ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। और इसको आप, अगर मैं ये टेबल के बिल्कुल टॉप पे कहीं भी, आपने टेबल पे क्लिक करनी है और इस पे राइट क्लिक, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स कि आप किसी सॉफ्टवेयर से उस फाइल को कहीं और लेकर जा रहे हैं
और इम्पोर्ट मीन्स आप किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल को एक्सेल में लेकर आ रहे हैं। ये दो बेसिक डिफरेंस है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में आप किसी और फाइल को एक्सेल में या किसी भी फोल्डर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में लेकर आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट आप किसी सॉफ्टवेयर की फाइल को कहीं और अगर लेकर जा रहे हैं। अब पहले हमने इम्पोर्ट की है एक्सेल की फाइल कैड के अंदर, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कैड की फाइल एक्सेल के अंदर। तो हम यहाँ से हमने क्या किया, ये मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, दोबारा एस्केप का बटन प्रेस कर देते हैं हम, सिंपल टेबल के ऊपर क्लिक की, राइट क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट में गए, और एक्सपोर्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे टेबल वन डॉट सी एस वी, ये सी एस वी जो फॉर्मेट होता है इसको एक्सेल रीड करता है, ये हमेशा आपने आगे भी शायद यूज़ आया आपकी, ये डॉट सी एस वी जहाँ एंड पे लिखा हुआ है ये एक्सेल में भी ओपन हो सकती है। हम यहाँ से इसे अपने फोल्डर में सेव कर रहे हैं, ये मेरा फोल्डर है जो हमने जहाँ पे हम ऑलरेडी फाइल्स बना रहे हैं, यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ से अपने फाइल्स में जाके और डी ड्राइव जो हमारी बनी हुई है इसके अंदर अगर आप नोट करें तो ये टेबल वन के नाम से, ये रिजल्ट कार्ड ऑलरेडी हमारा पड़ा था, और यहाँ पर टेबल वन के नाम से एक नया जो है वो एक टेबल ओपन हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने ओपन किया अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास साइड में जो है ये हमारा टेबल नज़र आ रहा है जिसमें हमने सब्जेक्ट मार्क्स और हमारे पास बाकी चीज़ें मौजूद थी। तो इस तरह हम अपना कोई भी टेबल जो है वो कैड से एक्सेल में लेके जा सकते हैं और एक्सेल से कैड में। इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ टेबल वन को, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट कार्ड है जो कि हमें बता रहा है। तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, तो इस तरह जो है वो आप टेबल्स बना भी सकते हैं और उसके अंदर फिर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं और कहीं और किसी और सॉफ्टवेयर से टेबल्स को लेकर भी आ सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारी कैड फाइल मौजूद है जहाँ पे ये दोनों टेबल्स मौजूद हैं। तो हमने एक्सेल के कैड के अंदर तीन बेसिक बुनियादी टेबल्स के लेक्चर देखने के बाद हमने कंक्लूड किया है कि कैड किस तरह हम एक्सेल के टेबल्स के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, एंट्री को चेंज कर सकते हैं, और किस तरह हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल के टेबल को कैड में लेकर आ सकते हैं और देन कैड की फाइल्स को एक्सेल में लेकर जा सकते हैं।